नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल ICT अकादमी में आप लोग का स्वागत है। आज फिर से हम आप लोग के लिए एक नया वीडियो लेके आया हूँ। इस वीडियो में बात करेंगे निकॉन स्कॉलरशिप के बारे में। जी हाँ, पर जो स्टूडेंट मिनिमम 12 पास आउट है वो स्टूडेंट इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल है। और एक बात बता दो, इस स्कॉलरशिप में स्टूडेंट को 1,00,000 रुपये तक का स्कॉलरशिप का अमाउंट है। तो बहुत ही अच्छा स्कॉलरशिप है। अगर आप इसके लिए एलिजिबल होते हैं तो ज़रूर अप्लाई कर देंगे। इस वीडियो में बताने वाला हूँ क्या क्या और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए, क्या क्या डॉक्यूमेंट होना चाहिए और कैसे अप्लाई करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो अगर आप लोग को इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, फ्रेंड ग्रुप में शेयर कीजिएगा। चैनल पर न्यू हुआ तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और एक बात, अगर आप लोग टेलीग्राम यूज करते हैं तो हम लोग टेलीग्राम के साथ भी जुड़े रहेंगे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे दिए, वहां पर भी बहुत सारा अपडेट देता हूं। चलिए अभी बात करते हैं निकॉन स्कॉलरशिप के बारे में। तो देख सकते हैं ये स्कॉलरशिप है जो प्राइवेट स्कॉलरशिप है। पहले बता दूं, निकॉन स्कॉलरशिप निकॉन कंपनी के द्वारा दिया जाने वाला एक प्राइवेट स्कॉलरशिप है। तो अगर आप कोई गवर्नमेंट स्कॉलरशिप जैसे NSP, कल्याण, UP, BR, कोई भी स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कॉलरशिप पे अप्लाई किए हैं या फिर करने वाले हैं, फिर भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ये प्राइवेट स्कॉलरशिप है। सभी स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं जो इसके लिए एलिजिबल है। तो गवर्नमेंट स्कॉलरशिप के साथ इसका कोई तालमेल नहीं है, आप दोनों का अप्लाई कर सकते हैं। रूल रहता है सिर्फ गवर्नमेंट का स्कॉलरशिप एक सेशन में, एक बार में दो स्कॉलरशिप आप अप्लाई नहीं कर सकते स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट से, लेकिन प्राइवेट को आप कर सकते हैं। चलिए आगे बात करता हूँ निकॉन स्कॉलरशिप के बारे में। तो यहाँ पर आप लोगों को सभी जानकारी डिटेल्स में मिलेगा। अभी मैं एलिजिबिलिटी का बात करता हूँ और एलिजिबिलिटी क्या होना चाहिए और क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। तो देख सकते हैं 1,00,000 रुपये तक का स्कॉलरशिप अमाउंट है। अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है इसमें तो 1,00,000 रुपये का स्कॉलरशिप मिलेगा। तो इसमें जो है प्राइवेट स्कॉलरशिप है तो मेरिट बेस आप लोग का स्कॉलरशिप मिलता है, जो आगे बात करूंगा। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट का बात करते हैं तो देख सकते हैं आइडेंटिटी प्रूफ, मतलब आधार कार्ड, पैन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस, कोई एक आइडेंटिटी प्रूफ चाहिए। 12 क्लास का मार्कशीट चाहिए सेल्फ अटेस्टेड के साथ। 12 पास स्टूडेंट इसके लिए एलिजिबल है, मिनिमम 12। उसके बाद कोई भी कोर्स कर रहा है, आगे बात कर रहा हूँ, तो मतलब मिनिमम 12 पास होना चाहिए। एडमिशन प्रूफ चाहिए, करंट फी रिसिप्ट और बैंक का पासबुक होना चाहिए। ये सब डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना पड़ेगा ऑनलाइन। अभी एलिजिबिलिटी का बात करता हूँ कि और क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है निकॉन स्कॉलरशिप में। तो देख सकते हैं दिस स्कॉलरशिप ओपन फॉर स्टूडेंट स्टडिंग इन एनी फोटोग्राफिक रिलेटेड कोर्स विथ ड्यूरेशन 3 मंथ्स और मोर। मतलब बताया जा रहा है ऐसा स्टूडेंट जो फोटोग्राफी का कोर्स कर रहा है, चाहे 3 मंथ का कर रहा है या फिर उससे ज़्यादा का कोर्स का कर रहा है, वो स्टूडेंट इस स्कॉलरशिप को अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि ये निकॉन स्कॉलरशिप है, जो कि कैमरा एक कंपनी होता है निकॉन का, उसी का स्कॉलरशिप है। तो जो स्टूडेंट फोटोग्राफी का कोर्स कर रहा है, 3 मंथ का कोर्स बहुत सारा होता है जो कॉरेस्पॉन्डेंस होता है, मतलब बाहर से 1-1.5 घंटा का क्लास होता है, जैसे कंप्यूटर क्लास होता है उस तरह। तो फोटोग्राफी का कोर्स अगर आप लोग कर रहे हैं, कहीं एडमिशन लिए हैं, तो आप इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल है। जिसमें गार्जियन का फैमिली इनकम मिनिमम मतलब मोर देन 6 लाख से कम होना चाहिए, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा है। तो 6 लाख से कम जिसका गार्जियन का इनकम है वो अप्लाई कर पाएंगे। अगर आप इसके लिए एलिजिबल होते हैं तो डिस्क्रिप्शन पे इस वेबसाइट का लिंक दे दिए हैं। जैसे क्लिक करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर डिटेल्स में जानकारी दिया हुआ रहेगा, आप लोग आके चेक कर लेंगे। और अगर आप इसके लिए एलिजिबल है तो यहाँ से अप्लाई करेंगे, देख सकते हैं अप्लाई नाउ पे। जैसे अप्लाई नाउ वाला में क्लिक करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा ऑफिस। फिर यहाँ पर अप्लाई नाउ में क्लिक करेंगे। अगर आप पहले कभी इसमें रजिस्ट्रेशन किए हैं तो डायरेक्ट मोबाइल नंबर से लॉगिन कर देंगे, नहीं तो यहाँ पर रजिस्टर में क्लिक करेंगे। मैं यहाँ पर अपना रजिस्टर कर लिया हूँ, तो मोबाइल नंबर और पासवर्ड डाल के यहाँ पर लॉगिन करता हूँ। तो देख सकते हैं लॉगिन करने के बाद आपका सक्सेसफुली लॉगिन हो जाएगा। उसके बाद आपका पोर्टल जो ओपन होगा, इस प्रकार आपके सामने इंटरफेस ओपन होगा निकॉन स्कॉलरशिप, जिसका लास्ट डेट फिलहाल अभी 30 नवंबर बताया जा रहा, लेकिन हो सकता है डेट एक्सटेंड भी करें। उसके बाद यहाँ पर स्टार्ट एप्लीकेशन में हम क्लिक करते हैं। उसके बाद स्टार्ट एप्लीकेशन में क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा। आपका सारा डिटेल्स आएगा, आधार डिटेल्स आएगा जो रजिस्ट्रेशन वाला, उसका आधार डिटेल्स आपको फिलअप करना है, एडुकेशनल डिटेल्स, फैमिली मेंबर, डॉक्यूमेंट, बैंक डिटेल, सब कुछ फिलअप करने के बाद आई हैव में टिक करेंगे और प्रीव्यू करके एक बार मिला लेंगे। उसके बाद फाइनल सबमिट कर देंगे। और स्टेटस चेक करने के लिए भी यहीं पर आप लोग लॉग आउट करके दोबारा आएंगे इसी वेबसाइट का लिंक पे, अप्लाई नाउ में क्लिक करके आप लोग लॉग इन करके अपना स्टेटस को
चेक कर सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर अप्लाई नाउ में क्लिक करेंगे और यहीं पर लॉगिन वाला ऑप्शन है, लॉगिन विद मोबाइल नंबर से, तो लॉगिन करके आप लोग स्टेटस को चेक कर सकते हैं। या फिर चेक रिजल्ट में यहाँ पर लिंक दिया गया है, यहाँ से आप लोग निकॉन स्कॉलरशिप का रिजल्ट को भी चेक कर सकते हैं। अगर आपका सिलेक्शन हुआ तो आपको यहाँ पर मिलेगा, देख सकते हैं अब तक 5 स्टूडेंट को सिलेक्शन हो चुका है। अभी भी डेट है, मतलब अप्लाई भी हो रहा है, स्टूडेंट का सिलेक्शन भी हो रहा। तब अगर आप एलिजिबल है तो जरूर अप्लाई कर दें।